कर्पूरी आश्रम समस्तीपुर स्थित राजद कार्यालय परिसर में राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी कर रहे थे, जबकि राजद के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सहनी ने संयुक्त रूप से यहां उद्घाटन समारोह में महती भूमिका निभाई। अध्यक्षता तथा संचालन राजद के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सहनी, जबकि धन्यवाद ज्ञापन राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव मोहम्मद जकी अहमद आरजू ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक विकास देश का संभव नहीं है। देखिए, आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। मुख्य रूप से हमारी पार्टी और हम लगातार पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी मांग लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करते आ रहे हैं। लेकिन जो बिहार की स्थिति है, इस बिहार की स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कम्प्लीटली ध्वस्त है। आज कोई भी पंचायत प्रतिनिधि किसी भी जनता के काम लेके वीडियो के यहाँ, सीओ के यहाँ या किसी उच्च पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। बस इन्हीं मांगों को लेके हम तमाम लोग बैठक किए हैं और जिला स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं और इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। जो पंचायती राज प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो जन समस्याएं लेके किसी भी पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो उनके समस्याओं का निराकरण हो।